हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ इस चैनल पर। यह आपका चैनल है। तो देखिए, आज मैं किनोवा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये होता है किनोवा। हमारे सारे दोस्त इसको पहचानते होंगे, जो गांव से होंगे वो जानते होंगे। बिल्कुल काकुन जैसा ये दिखता है। ये देखिए, इसका ये पैकेट होता है। ये देखिए, ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, डायबिटीज बीपी में बेहद फायदेमंद होता है। और ये बिल्कुल गेहूं की दलिया जैसा बनाया जाता है। चलिए आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसको कम से कम 4-5 पानी से धुला जाता है। ये देखिए, इसको मैंने 4-5 पानी से धुला है और ये देखिए भिगो के रख दिया है। अब मैं इसकी स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। आप सब लोग मेरा ये देखिए, मैंने कुकर चढ़ा दिया है। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये देखिए, अब तेल गर्म हो जाता है। इसके बाद मैं उसी किनोवा को भूनूंगी इसमें। ये देखिए, ये मेरा धुला और ये करीब करीब आधा घंटा का भीगा हुआ है। अब इसको हम तेल में डाल के थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे और पानी डाल के पका लेंगे। ये देखिए, किनोवा काफी रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम एक गिलास पानी डालते हैं। जितना किनोवा था उससे डेढ़ गुना पानी डालना चाहिए। ये देखिए, अब इसको हम प्रेशर लगा देते हैं, ये पक जाएगा। अब देखिए, मैंने इस वाली गैस पे ये पैन रख दिया है, कुकर इधर रख दिया है। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसमें डालेंगे, ये देखिए, एक चम्मच तेल फिर डालेंगे और इसका गर्म होने का वेट कर लेते हैं। देखिए, मेरा तेल गर्म हो गया। अब हम तड़का डालने जा रहे हैं। ये 1 स्पून मेरी चने की दाल है, 1 स्पून उड़द की दाल है और ये 2 स्पून मूंगफली के दाने, और ये मेरा राई है और ये जीरा है। तो ये सब चीज़ मैं हल्का ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए, इसके बाद फिर इसे मैं गैस को स्लो कर देते हैं। ये देखिए, सब तड़कने लग गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी अदरक। ये देखिए, ये प्याज, लहसुन, हरा मिर्चा। अब जैसा एक साथ हम इसको धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे मूंगफली भून जाए और मेरा जीरा जले नहीं। अब इसमें देखिए, हम टमाटर डाल रहे हैं और टमाटर डालते ही जैसा कि आप जानते हैं नमक पड़ेगा। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए, अब गल जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए, इसके बाद ही हम सारे मसाले और डालते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी गलता है। ये देखिए, इसके बाद मैं इसमें सब्जियां डाल देती हूँ। ये मेरी गाजर है, ये मेरी पत्ता गोभी है, ये मेरा शिमला मिर्च है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालिए। जितनी सब्जियां आपके पास हो, करीब करीब सारी बीन्स, गाजर, जो भी हो सब डाल दें। इतनी मटर डाल देंगे, ये गार्निश के लिए रख लेते हैं इसमें। और अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब देखिए, इसमें 1/2 स्पून हम हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं और पानी डाल देते हैं। अब ये सब्जियां गल जाएंगी थोड़ा हल्की हल्की से, बस ज़्यादा नहीं हमें गलाना है, नहीं तो क्रंचीपन खत्म हो जाएगा। बस इसको ढक देते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब्जी के मेरे हाल, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अभी थोड़ा पानी है इसका, तो मैं 2 मिनट के लिए फिर इसको ढक दूंगी। पानी है, पानी जल जाए तब तक ये किनोवा देख रही हूँ। ये देखिए, देखिए कुकर मेरा गैस बंद कर दिया है, ये खुल गया है। ये देखिए, हाँ ये भी पक गया है मेरा। ये देखिए, ये बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, अभी मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं इसमें इसको मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल वो बहुत दलिया जैसा बनाइए, कुछ नई ट्रिक नहीं लगानी है। ये देखिए, अब गैस को हम तेज करते हैं और इसको देखिए, नमक देख लीजिए आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, मिर्च देख लीजिए,
और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा इसमें मिक्स कर देते हैं। आप जैसा खाना पसंद करो उस हिसाब से बनाइए, ड्राई रखें या थोड़ा सा गीला रखें। ये देखिए अब ये रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डालते हैं हरी धनिया, और अगर आपको पसंद हो तो आप करी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए करी पत्ता गरम मसाला, ये आपकी चॉइस पे है। हमारे यहाँ बच्चा खाएगा इसलिए हम गरम मसाला नहीं डाल रहे। चलिए ये देखिए मेरी रेसिपी रेडी है, अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल रही, कलरफुल। ये देखिए ये स्वास्थ्यवर्धक किन्नोवा आप बनाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए। ये देखिए इसके ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी धनिया गार्निश कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये मेरे किन्नोवा बन के रेडी है। आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी का वेलकम करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी है, बीपी डायबिटीज सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है।